नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। आज से बिहार 3 दिनों तक बंद रहेगा। आज वाम दलों का बिहार बंद है, कल पप्पू यादव की पार्टी ने बिहार बंद का ऐलान किया है। हालांकि पप्पू यादव को पुलिस ने नज़रबंद कर दिया है और इसलिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए पप्पू यादव की पार्टी के कार्यकर्ता आज ही सड़क पर उतर चुके हैं बिहार बंद में अपना ताकत आजमाने और ताकत दिखाने के लिए। लेकिन 3 दिनों तक जो बिहार बंद रहेगा उससे कितनी फजीहत होगी आम लोगों की, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो हम आम लोगों से, रोज कमाने खाने वालों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि लगातार 3 दिनों का जो बिहार बंद है वाम दल का, जाप पार्टी का और RJD का, उसको लेकर वो क्या सोचते हैं। आप 3 दिनों तक बिहार बंद है, आप लोगों को कितनी परेशानी होगी। अभी तो ऐसा कुछ बुझा नहीं रहा कि बिहार बंद है, लेकिन जो होगा सो देखा जाएगा। अभी तक खोल के तो रखा हूँ। बिहार बंद से कितने नुकसान होता है। नुकसान तो खैर होता है, बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि दुकानें बंद हो जाती है, गाड़ी घोड़ा बंद हो जाता है, पब्लिक का भी। आपको कितना कारोबार प्रभावित होता है। मेरा तो होता ही है, क्योंकि बंद करना पड़ता है, भीड़ भाड़ होता है तो। अच्छा, तो दिक्कत होती है। नहीं चाहते हैं बिहार बंद। नहीं, हम तो नहीं चाहते, कोई भी नहीं चाहता कि बिहार बंद हो, सब कमाए खाए। तो आप देख रहे हैं क्या बिहार बंद हुआ है, क्या चाहते हैं आप, सही है होना हुआ, ये हमें पता भी नहीं था। मैं बिलासपुर से आया हूँ और जैसे ही उतरा मैं ट्रेन से देख रहा हूँ बिहार बंद है। राजेंद्र नगर से मुझे मतलब ऑटो के लिए वहाँ दिक्कत होने लगा, वहाँ तोड़फोड़ भी कहीं कहीं बताया जा रहा था कि हो रहा है। मैंने दोस्तों से पता किया तो पता चला कि हाँ भाई पटना स्टेशन साइड हो रहा है तोड़फोड़, तो मैं करूँ क्या भाई। तो उधर से क्या किया कि मैंने एक ऑटो वालों को कैसे करके मना के यहाँ तक तो मैं आ गया। अब यहाँ से फिर देख रहा हूँ यहाँ तो रोड खाली, बहुत अच्छा है यहाँ व्यवस्था। अभी तो बिहार बंद का ऐसा माहौल इधर अभी नहीं दिखने को मिल रहा हम लोगों को। चलिए, बिहार बंद का माहौल अभी इधर दिखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि पुलिस की सुरक्षा बहुत पुख्ता है। बिहार बंद 3 दिन तक लगातार है, क्या कहना है जी। हम लोग तो स्टूडेंट है, हम लोग चाहते हैं कैसे बिहार बंद हो जी। अब तो हम क्या बोल सकते हैं इसमें, ये क्या लगातार बिहार बंद होते रहता है, इस बार लगातार 3 दिन बंद है, क्या कहना है आपको नेताओं से। बिहार बंद है तो अब हम लोग नेताओं से क्या कहेंगे सर, हम लोगों तो कमाना खाना है और क्या। हम लोग उनसे कहेंगे कि भाई ऐसे 3 दिन लगातार बंद मत करिए, हम कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या। हाँ, ये तो बात सत है, 3 दिन लगातार बंद नहीं, 1 दिन बहुत है, 3 दिन बंद नहीं होना चाहिए, 3 दिन बंद नहीं होना। हाँ, चलिए, बंद है बिहार 3 दिन, इस पर क्या प्रतिक्रिया है, होना चाहिए 3 दिन बंद। नहीं सही, तो गरीब का मरण है सर हम लोग का। हाँ। गरीब जो हम लोग कमा खा रहे हैं, गाड़ी घोड़ा सर चीज का बंद है। क्या दिक्कत होता है जब बंद होता है। बंद यही है सर कि कमाने खाने वाला गरीब आदमी को बहुत तकलीफ होता है, जो कमाने खाने वाला है उसको रोड में चलना मुश्किल हो जाता है, जहाँ है वहीं रुक जाना पड़ता है, यही लगातार 3 दिन बंद है। हाँ, इससे बहुत गरीब आदमी को बहुत दिक्कत है और बहुत इसको मैंने कि ये कहा जाएगा, इसके लिए जो नेता या इसके लिए पार्टी का जो आदमी है उनको गरीब के लिए सोचना चाहिए सर। हम चलिए गरीब के लिए सोचना चाहिए, बिहार बंद से गरीबों का भला नहीं होने वाला है, बिहार बंद 3 दिन है, क्या कहना चाहते हैं। क्या कहेंगे सर, रोजी रोजगार बंद हो गया, ये जो सरकार किया है वो तो ठीक काम किया है, लेकिन ये लोग जो कर रहे हैं बंदे तोड़ फोड़ मार पेट, ये सब तो गलत तरीका है सर। तो सरकार ने जो किया है, कैब को लागू किया है, NRC को लागू करने की कोशिश कर रही है, लोग मानते हैं कि सरकार ने ठीक किया है, लेकिन जो विपक्ष कर रहा है बिहार बंद, वो भी लगातार 3 दिन, वो बिल्कुल वाजिब नहीं है, ठीक नहीं है। बिहार बंद लगातार 3 दिन बंद है बिहार, क्या परेशानी हो रही है। अभी परेशानी तो ये है कि साहब जो गरीब लोग जो है, ये छोटे मजदूर है, उन लोगों को काफ़ी परेशानी होगी। आप चाहते हैं कि ऐसे 3 दिन लगातार बंद ना हो बिहार। बिल्कुल नहीं चाहते, चाहेंगे। नेता तो कह रहे हैं कि आप ही लोगों के लिए बंद है। हाँ, नेता जो कह रहे हैं वो तो उनका पॉलिटिक्स है, और कुछ बंद होना भी चाहिए, क्योंकि ये बिल सही नहीं है, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा है, 2-2 दिन 3-3 दिन कंटिन्यू हो जाना, यह गरीबों के लिए बहुत इफेक्टिव। देखिए, जो ये हैं अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, ये चाहते हैं कि बंद होना चाहिए, विरोध होना चाहिए, लेकिन लगातार 3 दिनों तक बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभावित अगर कोई होगा तो गरीब होगा। तो बिहार बंद 3 दिन है, बिहार बंद 3 दिन है, क्या कहना चाहते हैं इस पर। होना चाहिए 3 दिन बंद। बिल्कुल होना चाहिए। क्यों बंद होना चाहिए 3 दिन, गरीब क्या खाएंगे क्या कमाएंगे। वो जो बिल हो रहा है वो गलत हो रहा है। क्या गलत है बताइए, क्या बिल हो रहा है, बिल के बारे में क्या जानकारी। सीनियर सिटीजनशिप जो गलत वो नहीं होना चाहिए। सीनियर सिटीजनशिप का थोड़ा है, NRC आ रहा है, NRC के लिए नहीं आना चाहिए। चलिए, क्या बिहार बंद पर क्या प्रतिक्रिया है। यही होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। क्यों होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए कि पेट पर लात मार रहा है। पेट पर लात मार रहा है बिहार बंद से, तो बंद नहीं होना चाहिए ना। नहीं नहीं होना चाहिए।
आप बताओ, बिहार बंद 3 दिन है, कितनी दिक्कत होगी? बहुत दिक्कत होगी सर, बहुत दिक्कत होगी। हम लोग का रोजगार है, कमाएंगे, खाने वाले आदमी है, कमाने खाने वाले आदमी है, बताइए। क्या चाहते हो कि बिहार बंद नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। नेता कह रहा है कि तुम ही लोगों के लिए, गरीबों के लिए बंद हो रहा है। जी हम लोग तो गरीब कमाने खाने वाला है, नेता लोग तो ऐसे बोलते रहते हैं। हाँ नेता लोग बंद हो जाए तो क्या खाएगा कमाकर गरीब आदमी? नेता कह रहा है कि तुम्हारे लिए बंद हो रहा है, तुम कर खाली झूठ बोल रहा है कि नेता बंद होना चाहिए 3 दिन? नहीं सर, बंद तो नहीं, ऐसे सब पब्लिक को नुकसान है, सारे जनता परेशान है इससे। नेता कहते हैं कि गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं। सब अपने लिए लड़ रहे हैं, सब अपने नेता अपने लिए लड़ रहे हैं, किसी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, सब अपना स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं। क्या ये बंद का समर्थन करते हैं आप? नहीं, हम नहीं करते, हमें तो अभी एयरपोर्ट जाना है, तुरंत फ्लाइट पकड़ना है। 3 दिन बंद है, कितना परेशानी? बहुत ज्यादा परेशानी होगी। बहुत ज्यादा, कोई इमरजेंसी थोड़ी होगा, इमरजेंसी है, बहुत ज्यादा परेशानी हो रहा है। झूठे नाटक कर रहा है बंद करके, बंद नहीं करना है, रोज फिर परसों बंद है, आदमी क्या करेगा? परेशान है और उनकी परेशानी ये है कि लगातार 3 दिनों तक बिहार बंद है। क्या खुश हैं 3 दिन बंद है बिहार? खुश रहेगा, जो काम धंधा सब चौपट हो रहा है, बाल बच्चा सब घर में पड़ल है, कहाँ से खाएगा, कहाँ से पिएगा आदमी? आप बताओ। सही बोल तो है, गलती बोल रहे हैं? सही ना बोल रहे हैं सर? खाना कहाँ से खाएगा, 3 दिन बैठ के कहाँ से खाना खाएंगे? कहाँ आएगा तब ना खाएगा। बड़े लोग को नहीं होगा, छोटे लोग जो डेली कमाने खाने वाले लेबर मजदूर क्लास के हैं उसको ज्यादा होगा। विपक्ष कह रहा है कि एनआरसी से कैप से बड़े लोगों को परेशानी नहीं होगी, गरीबों की परेशानी बढ़ेगी, लेकिन गरीब कह रहे हैं कि विपक्ष के लगातार 3 दिनों के बिहार बंद से अमीरों को परेशानी नहीं होगी, गरीब बेहाल होंगे, परेशान होंगे, क्योंकि रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। क्या दिक्कत होगी बंद है 3 दिन? हाँ क्या दिक्कत है? अरे गाड़ी कहीं चले तो हम लोग कहाँ? हाँ हाँ दिक्कत है, दिक्कत है, दिक्कत है। अब घर नहीं चलेगा खाएगा का? अभी से खुट्टा पर बांध देंगे तो पैसा आएगा कहाँ से? नहीं कमाएंगे तो खाएंगे क्या, और गाड़ियाँ चलेगी नहीं तो ये अपने बच्चों को खिलाएंगे क्या? ये सवाल है इनके सामने। तो जो बिहार बंद का आह्वान किया है विपक्ष ने, वो भी लगातार 3 दिनों तक, इसके समर्थन में ये गरीब लोग तो नहीं है। उनका कहना है कि उनके पेट पर लात मार रहे हैं राजनीतिक दल के नेता, क्योंकि 3 दिनों तक जो बंद है बिहार, उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव इन गरीबों पर पड़ना है जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, जिस दिन नहीं कमाते हैं उनका चूल्हा नहीं जलता है। आपको इनकी मांग जायज़ दिखे, इनकी बात सही लगे, तो इस वीडियो को खूब दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आपका सहयोग समर्थन हमारे लिए बहुत अहमियत रखता है।